संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल पर हम आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की रिपेयरिंग सिखाते हैं। हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल पर क्लिक करें, ऑल को सिलेक्ट करें और ओके दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फर्स्ट सेमेस्टर का यह हमारा वीडियो लेक्चर 2.6 है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेक्चर 2.6। ठीक है दोस्तों, जो दूसरी यूनिट अभी तक हमारी कंटिन्यू है, जिसमें हम काफ़ी सारे टूल्स के बारे में जान चुके हैं, इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि स्टैक एंड डाई क्या होता है। इस टूल्स की आवश्यकता भी हमें समय समय पर पड़ती रहती है। तो स्टैक एंड डाई क्या होता है, कितने साइजेस में यह अवेलेबल होता है, इसके अलावा इसके क्या काम होते हैं, यह सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पुली पुलर, बेयरिंग पुलर और विभिन्न प्रकार की वाइस, साथ ही साथ सोल्डरिंग पात्र, कर्ची और इसके अलावा जो ब्लो लैंप होता है, वायर गेज और ब्लो लैंप, SWG वायर गेज के बारे में भी बताऊंगा, ब्लो लैंप के बारे में बताऊंगा। और यदि समय रहता है दोस्तों, तो हम जो प्लम्बोग होता है, जिसे साउल कहते हैं, साउल के बारे में भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले शुरू करते हैं और जानते हैं कि स्टैक एंड डाई क्या होता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो लेक्चर को शुरू करें, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, यदि मान लीजिए आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है, तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें अधिक से अधिक वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, यदि मान लीजिए आपने व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया है, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप नीचे जो सब्सक्राइब वाले बटन होते हैं, वहीं पर डिस्क्रिप्शन भी होता है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाएंगे, तो वहाँ पर हमने हमारे ग्रुप की लिंक दी हुई होती है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सिंपली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये मैंने कुछ टूल्स के डायग्राम बनाए हुए, इनके बारे में आपको मैं अभी यहाँ पर समझा देता हूँ। तो दोस्तों, यह जो पहला टूल्स आपको नज़र आ रहा है, इसे स्टाक एंड डाई कहा जाता है। ठीक है, स्टाक एंड डाई। तो ये जो स्टाक एंड डाई होता है, इसका प्रयोग हम लोग, यदि मान लीजिए किसी कंड्यूट पाइप में या किसी GI पाइप में यदि थ्रेड्स बनाना होता है, तो थ्रेड्स बनाने के लिए हम स्टाक एंड डाई का प्रयोग करते हैं। थ्रेड्स यानी कि चूड़ियाँ बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि जो नट्स बोल्ट होते हैं, दो नट के ऊपर या बोल्ट के ऊपर थ्रेड्स बनी होती हैं, ठीक है, लाइनिंग्स नज़र आती हैं। उन्हीं थ्रेड्स को बनाने के लिए, जब हम पाइप में थ्रेड बनाते हैं, तो थ्रेड बनाने के लिए इस स्टाक और डाई का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये स्टाक, ये जो इसका पूरा हैंडल वाला भाग है, ये साइड के जो भाग है, ये हैंडल कहलाते हैं, और जो बीच का गोल भाग है, यह स्टॉक कहलाता है। ठीक है, तो ये स्टॉक और हैंडल को एक साथ ही बनाया जाता है, और स्टॉक और डाई को, स्टॉक और हैंडल को लोहे का बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, जो स्टॉक होता है, स्टॉक के अंदर डाई को इंस्टॉल किया जाता है, जो ये बड़ा रूप में हमने बाहर जूम करके बनाया हुआ है, इसे, इस पार्ट को डाई कहा जाता है, और यह डाई इस स्टॉक के अंदर प्लेस होता है, इसे स्टॉक के अंदर ही स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एडजस्टिंग स्क्रू होते हैं, इन एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा इस डाई को सही पोजिशन में, और जो पाइप होता है, पाइप को अच्छी तरह से जकड़कर कसने के लिए या एडजस्ट करने के लिए जा एडजस्टिंग स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। ये तीन जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहे हैं, यह ऊपर स्क्रू होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, डाई के पीछे, डाई को बाहर की तरफ गाइड करने के लिए एक उपकरण यूज किया जाता है, एक युक्ति यूज की जाती है, जिसे गाइड कहा जाता है। तो गाइड और डाई, इन्हें हम लोग कास्ट आयरन का बनाते हैं। डाई और गाइड को कास्ट आयरन का बनाया जाता है, और जैसा मैंने पहले बताया कि स्टाक और हैंडल दोनों को
लोहे का बनाया जाता है। तो यह था दोस्तों स्टार्क एंड डाई। स्टार्क एंड डाई के बारे में एक बात और बता दूं मैं आपको कि यह 12 mm, 18 mm, 25 mm, 32 और 38 mm के डाई वाले स्टार्क और डाई जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वाइस के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम जॉब बनाते हैं या जैसे मान लीजिए थ्रेड बनाते हैं, तो हमें पाइप को पकड़ने के लिए, पाइप को जकड़ने के लिए एक उपकरण की आवश्यकता होगी, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि हमारे साथ कोई सहायक उपलब्ध हो। ऐसी स्थिति में या सहायक उपलब्ध होने के बावजूद भी यदि हम किसी टूल्स को किसी इंसान के द्वारा जकड़ते हैं या किसी इंसान को पकड़ाते हैं, तो वह उसकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं होती है जितने कि इन वाइसों की होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यदि उदाहरण के तौर पर यदि आपको पाइप में थ्रेड बनाना है, तो पाइप को पकड़ना होगा, क्योंकि पाइप को हम पकड़ के रखेंगे तभी तो उसके ऊपर स्टाक घुमाएंगे। जब इस स्टाक को घुमाते हैं तभी तो थ्रेड बनती है। तो इसीलिए हम लोग पाइप को जकड़ने के लिए यह पाइप वाइस का यूज करते हैं। यहाँ पर जो उपकरण आपको नजर आ रहा है, जो औजार नजर आ रहा है, इसे हम लोग वाइस कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वाइस एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से विभिन्न जॉब्स को पकड़ा जाता है। ठीक है, अब इनके द्वारा जिन दोस्तों पाइप वाइस जो हैं वो और अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो जिस उपकरण को, जिस जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग वाइस यूज करते हैं, उसके आधार पर भी अलग अलग वाइस होती हैं। जैसे यह पाइप को पकड़ने के लिए यूज की जाती है तो इसे पाइप वाइस कहते हैं। इसके अलावा सिरोपरी लाइन्स में या ओवरहेड लाइन्स में काम करते समय जो लाइनमैन होते हैं वह लाइन वाइस का यूज करते हैं, यानी कि वो जो लाइन है उसे जकड़ने के लिए वाइस का यूज करते हैं, वह लाइन वाइस कहलाती है। इसके अलावा हैंड वाइस होती है, बेंचों पर लगने वाली वाइस बेंच वाइस कहलाती है। तो विभिन्न प्रकार की वाइसेस अवेलेबल होती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए ध्यान में रखने वाली बात यह है कि विद्युत कार को 10 सेंटीमीटर जबड़े की लंबाई वाला, जिस वाइस के जबड़े की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो वह वाइस, एवं जिसके खुलने की जो परास है वह 60 mm होना चाहिए। ठीक है, ऐसे वाइस विद्युत कार के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहली कि जो जबड़े का साइज है वह 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जबड़े की जो खुलने की रेंज है वह 60 mm या कि 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसी वाइस विद्युत कार के लिए उपयुक्त होती है। दोस्तों अगला टूल से हमारा पुली पुलर। ठीक है, ये जो उपकरण आप देख रहे हैं, औजार देख रहे हैं, इसे पुली पुलर कहते हैं। इसमें ये एडजस्टिंग लेग्स होते हैं, ये तीन जो लेग्स हैं तीनों तरफ, ये एडजस्टिंग लेग कहलाते हैं। यदि मान लीजिए जनरेटर, मोटर, इन पर लगी हुई, इनकी शाफ्ट पर लगी हुई पुली यदि हमें किसी कारणवश निकालनी होती है, यदि पुली खराब हो जाती है, तो इस अवस्था में पुली को निकालने के लिए हम लोग पुली पुलर का उपयोग करते हैं। ये तीनों एडजस्टिंग लेग्स को पुली के ऊपर लगा दिया जाता है, और उसके बाद जब इस एडजस्टिंग स्क्रू को जब हम कसते हैं, तो ये नट चूंकि जो है ऊपर के अंदर की तरफ, मतलब इसे हम लोग इस तरह से कसते हैं कि ये जो स्क्रू है ये पुली को बाहर की तरफ खींचता है, ये जो लेग्स हैं ये पुली को बाहर की तरफ खींचते हैं। इस तरह से दोस्तों इस पुली पुलर की सहायता से हम लोग बिना शाफ्ट को नुकसान पहुंचाए या बिना पुली को नुकसान पहुंचाए हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मशीन की यदि ओवरहॉलिंग करनी है, मशीन को यदि मान लीजिए रिपेयर करवाना है, तो उस स्थिति में हमें पुली को मशीन से या साफ या जनरेटर से अलग करना होता है। इस अवस्था में हम लोग ये पुली पुलर का उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए अगला टूल्स बताते हैं आपको। इस तरह से दोस्तों पुली पुलर की सहायता से बिना शाफ्ट को नुकसान पहुंचाए और बिना मशीन को या बिना पुली को नुकसान पहुंचाए हम लोग पुली को मशीन से अलग कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा एक अन्य टूल भी होता है,
जिसे हम लोग बियरिंग पुलर कहते हैं। सामान्यतः दोस्तों बियरिंग पुलर में केवल दो ही लेग्स होते हैं। आजकल जो बियरिंग पुलर आ रहे हैं, बियरिंग पुलर और पुली पुलर दोनों ही का काम एक ही पुलर से किया जा सकता है। दोनों एक ही पुलर को बियरिंग पुलर और पुली पुलर दोनों की तरह उपयोग किया जा सकता है, लेकिन चूंकि सिलेबस में है तो इसीलिए हमें दोनों के बारे में पता होना जरूरी होना पता होना चाहिए। ठीक है, तो यह वाली युक्ति जो देख रहे हैं आप लोग, इसे हम लोग बियरिंग पुलर कहते हैं। इसमें भी दो एडजस्टिंग लेग्स होते हैं। जैसे जैसे हम स्क्रू को कसते चले जाएंगे वैसे वैसे बियरिंग जो है मशीन से अपने आप बाहर आते जाएगी। दोस्तों मुख्य अंतर बियरिंग पुलर और पुली पुलर में यह होता है कि पुली पुलर में जो लेग्स हैं इनमें ये जो आपको इसके जबड़े दिख रहे हैं ये अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, लेकिन जो बियरिंग पुलर है, बियरिंग पुलर के जो जबड़े हैं वो बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। ये जबड़े जो हैं इस तरफ मुड़े रहेंगे, क्योंकि बियरिंग को हम उसके जो नीचे वाला होल होता है उसमें से जकड़ करके बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह था बियरिंग पुलर और पुली पुलर। इसके बाद हमारा जो अन्य टूल है, जो अगला टूल है, वह कहलाता है मेलेट। ठीक है, मेलेट एक प्रकार का हैमर ही होता है, लेकिन इसे पूरा हम लोग वुडन बनाते हैं। ठीक है, यह वुडन बनाया जाता है, इसे लकड़ी का बनाया जाता है। जनरली विद्युत कार के लिए आधा किलोग्राम से लेकर के एक किलोग्राम वाला वुडन मेलेट उपयुक्त होता है। इसका उपयोग तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम या लोहे की जो पतली चादरें होती हैं या तार होता है उसे सीधा करने के लिए हम लोग मेलेट का उपयोग करते हैं, ताकि तारों पर या चादरों पर निशान ना बने। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए यदि तारों का जॉइंट बनाने हैं तब भी तारों को सीधा करने के लिए मेलेट का उपयोग किया जाता है, या मशीन के एंड कवर्स को खोलने के लिए यदि मान लीजिए शाफ्ट पर चोट करना हो, शाफ्ट पर अगर हैमरिंग करना हो तो वह हम लोग मेलेट की सहायता से करते हैं, ताकि शाफ्ट पर एक निश्चित प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर की चोट ना लगे। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों मेलेट के बाद हम अगला उपकरण कर लेते हैं। तो हमारा अगला उपकरण होता है ये ब्लो लैम्प। ठीक है, यदि मान लीजिए हमें सोल्डरिंग करने की आवश्यकता पड़े, जो बड़े जॉइंट होते हैं यदि जॉइंटों को सोल्डरिंग करना होता है, तो जॉइंट को सोल्डरिंग करने के लिए, जॉइंट को गर्म करने के लिए ब्लो लैम्प का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का स्टोव होता है, एक छोटा रूप है स्टोव का। तो इसमें यहाँ पर देखें आप, इसके मैं मुख्य भागों के बारे में आपको बता देता हूँ। यह ऑयल टैंक होता है, ठीक है, 1 लीटर या 2 लीटर का यह ऑयल टैंक होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक प्रेशर रिलीज वाल्व होता है, एयर रिलीज वाल्व। इसकी सहायता से हम लोग जो स्टोव है उसको बंद चालू कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो बीच वाली जो नली है इसे हम गैस ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, ये गैस ट्यूब कहलाती है, और गैस ट्यूब के ऊपर एक नोजल होता है, यह वाला भाग जो है नोजल कहलाता है। और ये जो पूरा बाहर वाला भाग है, यहाँ जो आग लगती है, इसे हम लोग बर्नर कहते हैं। तो यह मुख्य भाग थे ब्लो लैंप के। ब्लो लैंप की सहायता से दोस्तों हम लोग जो बड़े जॉइंट हैं उनको गर्म करके और उन्हें सोल्डरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी किसी चीज़ को यदि गर्म करना है तो हम ब्लो लैंप की सहायता से गर्म कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये अगला टूल्स जो आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, यह हमारा वायर गेज कहलाता है। यह एक चकती होती है और इस चकती में विभिन्न स्लॉट बने हुए होते हैं। दोस्तों यह एक प्रकार की व्यास मापने की प्रणाली है। ठीक है, जो ब्रिटिश मतलब SWG जो है वह एक ब्रिटिश मेजरमेंट प्रणाली है, जिसमें तारों के व्यास को नापा जाता है। प्रत्येक स्लॉट के सामने तार का व्यास लिखा होता है। हम इन स्लॉटों में तार को इंसर्ट करते जाते हैं, और जिस स्लॉट में जो तार फिट हो जाता है, जैसे मान लीजिए यह मेरे पास कोई तार है और वो स्लॉट नंबर 1 में फिट होता है, मान लीजिए इस स्लॉट में फिट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि यह तार का व्यास जो है वह 1 SWG कहलाएगा, या तार का जो साइज है वह 1 SWG कहलाएगा। लेकिन आजकल जो वायर गेज आ रहे हैं उसमें तार के व्यास को सीधे ही MM में भी व्यक्त किया जाने लगा है। तो आजकल दोनों ही प्रकार के वायर गेज मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, वायर गेज के बाद दोस्तों अगला उपकरण हम लोग देख लेते हैं। तो यह उपकरण जो आपको नज़र आ रहा है इसे साहुल या प्लम बोब कहते हैं। ठीक है,
आप लोगों ने देखा होगा कि जो मिस्त्री या मेसनर घर का निर्माण करते हैं, तो वो जब दीवारों को उठाते हैं तो ईंटों को वर्टिकल में चेक करने के लिए कि कहीं ईंटें आड़ी तो नहीं लगी हैं, वह एक रस्सी में एक लट्टू टाइप का एक डिवाइस को बांध लेते हैं। तो यह वही प्लम्बो है या साहुल है, और इसकी सहायता से हम लोग जो वर्टिकली कोई चीज़ सीधी है कि नहीं उसे नाप सकते हैं। विद्युत कार इसका प्रयोग जब वायरिंग करते हैं तो वायरिंग करते समय ऊर्ध्वाधर लाइन खींचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला टूल्स है सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन होता है और एक कॉपर बिट सोल्डरिंग आयरन होता है। कॉपर बिट सोल्डरिंग आयरन को आग की सहायता से इसकी बिट को गर्म किया जाता है, और यह जो बिट होती है यह कॉपर की बनाई जाती है, कॉपर बिट बनाई जाती है, और यह भार के आधार पर इस प्रकार का कॉपर बिट सोल्डरिंग आयरन वर्गीकृत किया जाता है। विद्युत कार के लिए 250 ग्राम भार वाला कॉपर बिट सोल्डरिंग आयरन उपयुक्त होता है। ठीक है, एक अन्य सोल्डरिंग आयरन यह जो हमने ड्राइंग में बनाया है यह इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन है। इसे इसकी बिट को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा गर्म किया जाता है, और विद्युत कार के लिए 65 वाट वाला सोल्डरिंग आयरन उपयुक्त होता है। दोस्तों देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब हमें किसी टर्मिनल पर वायर जोड़ना होता है या हमें किसी प्रकार का वायरों का जॉइंट बनाना होता है, तब हम सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सोल्डरिंग, वेल्डिंग और ब्रेजिंग में जो अंतर होता है, या किसको सोल्डरिंग और वेल्डिंग, इनकी सबकी परिभाषाएं मैं आपको अलग लेक्चर में बताऊंगा, वो हमारे तीसरे पार्ट में या अलग एक यूनिट में है, तो इसीलिए मैं अभी उसका जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन आप केवल इतना ध्यान रखें कि सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग आयरन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यह दो प्रकार का होता है, एक होता है सो कॉपर बिट सोल्डरिंग आयरन और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। इसके अलावा हम सोल्डरिंग पात्र और कर्ची की सहायता से भी सोल्डरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर सोल्डरिंग पोर्ट या सोल्डरिंग पात्र को आग के द्वारा गर्म करते हैं, और इसे गर्म करने के लिए ब्लो लैंप का यूज़ किया जाता है। ब्लो लैंप में इसी वीडियो में अभी आपको बताया था, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो उस ब्लो लैंप की सहायता से हम इस पात्र को गर्म कर सकते हैं, सोल्डरिंग पात्र को। और यह जो है कर्ची होती है, इस कर्ची के सहायता से पहले जॉइंट को इस पात्र के ऊपर रखते हैं, और इसमें जो सोल्डर पिघलाया जाता है, सोल्डर के टुकड़े, हल्का पी सोल्डर होता है, उसके टुकड़े को गर्म करते हैं। वो गर्म करके हम जब जॉइंट पर इस पात कर्ची में सोल्डर को भरते जाते हैं, और धीरे धीरे जॉइंट को घुमाते जाते हैं, और उस पर कर्ची की सहायता से सोल्डर को डालते जाते हैं। इस तरह से हम सोल्डरिंग पात्र और कर्ची की सहायता से भी सोल्डरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि जो सोल्डरिंग पात्र होते हैं वह 0.5 लीटर से लेकर के 1 लीटर तक की क्षमता में बनाए जाते हैं। विद्युत कार के लिए 0.5 लीटर का सोल्डरिंग पात्र उपयुक्त होता है। इसके अलावा जो कर्ची होती है, कर्ची का साइज 35 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में टूल्स के बारे में सारा विवरण पूरा हो चुका है। अभी तक हम दो प्रकार के टूल्स पढ़ चुके हैं, टूल किट वाले औजार और अन्य औजार। अब दोस्तों इसी यूनिट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, जिसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो औजार हैं उनका अनुरक्षण किस तरह से किया जाए, यानी कि उन्हें किस तरह से संभाल कर रखा जाए कि वह अधिक समय तक उपयोगी बने रहें और उनकी सहायता से सही तरह से कार्य किया जा सके। तो दोस्तों अगली लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा विभिन्न प्रकार के औजारों का अनुरक्षण किस तरह से किया जाता है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, हमारे ग्रुप को आप, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यदि आप हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो जो बेल आइकन है रेड वाला, उसे प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।